करबला में इतने बड़े इम्तिहान में रहकर भी अहले बैत ने हमें सिखा दिया कि हमें अपने रिश्ते कैसे निभाने चाहिए। जब इमाम कासिम का नंबर आया ना और मैदान जंग में जाने लगे तैयार होकर तलवार उठाकर, तब हज़रत इमाम हुसैन ने उन्हें रोक लिया कि तुम नहीं जाओगे, तुम मेरे भाई की इकलौती निशानी हो। तब इमाम कासिम ने फरमाया कि मेरे बाबा इमाम हसन ने मुझे ये तावीज़ दिया था और बोला था कोई बड़ी परेशानी आए ना तो ये तावीज़ खोल कर देखना, आज मैं आपके सामने खोलता हूँ। तब उन्होंने वो खोला तो वो कोई तावीज़ नहीं था, वो एक रुक्का था, एक वसीयत थी कि अगर मेरे भाई हुसैन पर कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, तो उस मुसीबत के बीच में आकर खड़े हो जाना। इमाम हुसैन ने फरमाया कि पूरी ज़िंदगी मैं अपने भाई की बात मानता रहा हूँ, उनकी फर्माबरदारी करता रहा हूँ, अब भी मैं उनकी बात मानूंगा, और उन्होंने उन्हें जाने दिया। ये एक भाई की भाई के लिए इज्जत थी, भाई की भाई के लिए मोहब्बत थी, चचा की भतीजे के लिए जो रेस्पेक्ट थी। ये एक मैसेज था जो उन्होंने दिया था कि जान की बाजी लगाकर भी अपने रिश्तों को बचाया जाता है। और आज हम ये भी देखते हैं कि चंद पैसों के लिए भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, चचा भतीजों में मोहब्बत नहीं है, इज्जत नहीं है।